सामूहिक भवन में बने स्ट्रांग रूम में मतपेटी जमा करने पहुंची पोलिंग पार्टियां। हमारे संवाददाता ने जहां पर हालातों का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। आज 4 बजे विधान परिषद का मतदान समाप्त हुआ और अब मतपेटियों को लेकर के मतदेय स्थल से पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन जो नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया है यहां पर जमा होंगी। आप ये देख रहे हैं कि इन पेटियों की सुरक्षा करने के लिए बाकायदा यहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर ये सीएपीएफ के जवान, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सीएपीएफ के जवान यहां पे तैनात हैं और इनकी तैनाती में सुरक्षा के बीच यहां पे मतपेटियों को रखा जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि मतदेय स्थल से पोलिंग पार्टियां सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन में पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। आप ये देख रहे हैं इन मतपेटियों को लेकर के ये जो पोलिंग कर्मचारी रहे हैं ये यहां पर आ रहे हैं और इनके साथ सुरक्षा बल भी मौजूद है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जिलों में देर शाम तक पोलिंग पार्टियां वहां से आएंगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से लगभग 9 से 10 बजे तक पोलिंग पार्टियों के सुल्तानपुर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन में इन पोलिंग पार्टियों के पहुंचने की संभावना है, जहां पर सीएपीएफ, आप ये देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बाकायदा ये सीएपीएफ के जवान यहां पे तैनात हैं और ये यहां पर मतपेटियों को जमा कराया जा रहा है। आगामी 12 अप्रैल को ये मतपेटियां मतगणना के लिए खुलेंगी। यहाँ पर ये प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और ये जो पोलिंग पार्टियां यहाँ पे पहुंची हैं और इन मतपेटियों को जमा कराने की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और कड़े ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन मतपेटियों को इस सामुदायिक भवन में रखा जाएगा। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया।